ऑफ सक्सेस नंबर 10, कीप मूविंग फॉरवर्ड. कीप मूविंग फॉरवर्ड मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखना है, बस हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है. सेटिस्फाई नहीं होना है, कभी भी रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं लेना है. जो भी काम करते हैं, गो टू द एक्स्ट्रा माइल, उससे और एक कदम आगे बढ़ना है. ना भागना है, ना दौड़ना है, ना रुकना है, चलते रहना है. जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का नहीं. लाइफ में चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन आपको क्या करना है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहना है, हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहना है. एक 80 साल की बुढ़िया ने मैराथन की दौड़ जीती. उनसे लोगों ने पूछा, आपको इतनी एज में यहाँ ये इंस्पिरेशन कैसे मिली, मतलब मैराथन दौड़ में और पार्टिसिपेट करने की आपको कैसे इंस्पिरेशन, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? तो बूढ़ा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इसमें इंस्पिरेशन की कौन सी बात है, मैं बस हर बार में एक कदम आगे रखती गई, मुझे एक कदम ही तो रखना था एक बार में. तो ये बहुत अच्छा लेसन है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ एक स्टेप आगे रखना है. बस जो काम आप कर रहे हैं उसमें प्लानिंग के साथ में एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे. क्योंकि हम, मुझसे अक्सर लोग बोलते हैं सर इंग्लिश नहीं बोल पाते. इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश में क्या करना है, एक बार में पूरा सेंटेंस नहीं बोलना होता, सिर्फ एक वर्ड एक बार में, फिर दूसरा वर्ड एक बार में. तो धीरे धीरे आप ऐसे करके करने लगते हैं. आपको बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, एक स्टेप सिर्फ एक बार में आगे रखना है. तो कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा अपने गोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस रखें और आप देखें कि आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. रोज डेली जो आप काम कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपका गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है. डेली आपको एक स्टेप अपने मकसद की तरफ, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए. क्योंकि बारिश है, आएगी जाएगी, बुखार है, मौसम है, आप बहाने नहीं बना सकते. आप या तो बहाने बनाएंगे या आप अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना. बुखार आएगा जाएगा, लेकिन जो टाइम है ये दोबारा नहीं मिल पाएगा. ये मिल पाएगा दोबारा? ये नहीं मिल पाएगा. जो टाइम चला गया वो चाह के भी वापस नहीं मिल सकता. तो गर्मी होगी नहीं होगी, सर्दी होगी नहीं होगी, लेकिन जो वक्त है, जो आपका टाइम है, वो नहीं मिल पाना है. तो करना क्या है, आपको आगे बढ़ते रहना है. बुखार, नज़ला, जुकाम, बुखार, ये सब होता रहेगा, लेकिन ये आएगा और जाएगा. लेकिन आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है. रोज एक स्टेप आगे बढ़ना है, हमेशा टारगेट बनाना है, एम बनाना है, और उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है कि मुझे कैसे और कब तक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स, और उनको उनकी तरफ आगे बढ़ते रहना है. पहाड़ चाहे जितना ऊंचा हो, लेकिन अगर आप रोज एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप ऊपर चलते रहेंगे, तो आप, जरूरी नहीं है कि जल्दी पहुंचे, कभी ना कभी आप मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन आप रुक गए, बैठ गए, थक गए, तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे. आपको क्या करना है, चलते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं. जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का नहीं. क्योंकि रुक गई तो जिंदगी खत्म. घड़ी को क्या करना है, घड़ी को देखते नहीं रहना है कि हाँ 12 बज गए, हाँ 1 बज गया, हाँ ये हो गया, वो हो गया. घड़ी जो करती है वो आपको करते रहना है. घड़ी क्या करती रहती है, घड़ी चलती रहती है, रुकती नहीं है. तो बस घड़ी को जब भी देखें तो जो घड़ी करती है वो आप करते रहें. आपको क्या करना है, आपको चलते रहना है. अगर स्पीड में चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, बट वो बकवास कहानी है. क्योंकि कभी भी रियल लाइफ में कछुए और खरगोश की आपस में रेस नहीं होती. कछुओं कछुओं की होती है, खरगोश खरगोश की होती है. लेकिन फिर भी मैं दोनों का फेवर करता हूँ. चाहे आप कछुआ हो, चाहे आप खरगोश हो, मैं दोनों को इज्जत देता हूँ, मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ. कछुआ धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुँचता है, खरगोश तेजी में मंजिल पर पहुँचेगा. पर मंजिल पर पहुँचना मकसद है हमारा. आप तेजी से जा रहे हैं, डजन मैटर. आप धीरे धीरे जा रहे हैं, डजन मैटर. लेकिन आपको क्या है, चलते रहना है, रुकना नहीं है. चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, रुकना नहीं है आपको. बारिश हो, पानी हो, धूप हो. मैं अक्सर देखता हूँ जवान जवान लड़के हैं मेरी क्लास में, और वो आते नहीं. हम उनसे पूछते, भाई क्यों नहीं आते, सर धूप बहुत तेज थी. भाई धूप बहुत तेज है, तुम पिघल जाओगे, तुम मोम के बने हुए हो, हैं? तुम धूप में यौवन अपना संवार रहे हो. आज के यंग जनरेशन के लड़के बताते, धूप सर बहुत तेज है. अब धूप, धूप में कुछ नहीं, लोहा तपके ही कुंदन बनता है. अगर आप तपेंगे नहीं, कुंदन बनेंगे नहीं. कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए पहले देना होगा.
तो आपको क्या करना है, आपको फॉरवर्ड होना है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कुछ नहीं देखना है, बारिश है पानी है, क्योंकि जब एक बार आप अपने स्टेप पे पहुंच जाओगे फिर वहां से आपकी जब लाइफ शुरू होगी तो आपको मिलेगा कुछ, ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। कितने लोग ऐसे आए और चले गए, उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है हमेशा हमेशा, रुकना नहीं, सेटिस्फाई नहीं होना, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, स्टेप धीरे 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 जा रहे हैं या तेजी से जा रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन जाए जरूर, है ना, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे तो वो आपसे यही कहेंगे कि अगर तुम ये काम कर सकते हो तो करो, वेरी गुड, और तुम्हें करना भी चाहिए, वो कभी मना नहीं करेंगे। और जितने भी आप लो कैटेगरी वाले मेंटालिटी से मिलेंगे वो मना करेंगे, आपको नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, ठीक। तो क्या करना है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहना है।